हेलो फ्रेंड्स, आज दी वीडियो मैं उन्हां पर्सन दे लई लेके आई हां जिहड़े अपने लड़के जां लड़की दे ब्याह दे उपर 20 लाख रुपया खर्च कर लई तैयार ने, जिहड़े चाहुंदे ने कि असीं अपनी लड़के जां लड़की दा ब्याह दे उत्ते 20 लाख खर्चन नूं तैयार हां। अज दी वीडियो मैं उन्हां लई लेके आई हां। सो वीडियो दे विच बहुत ही वधिया इनफॉर्मेशन लेके आई हां तुहाडे लई। वीडियो में शुरू तो लेके एंड तक जरूर देखो। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले दसना चाहनी हाँ कि यह जो चैनल बनाया गया तुहाडे लई बनाया गया तां कि तुहानू कैनेडा बारे नवी नवी इनफॉर्मेशन मिल सके, तुसी घरे बैठ के सारी जानकारी हासिल कर सको। तो अगर तुसी साडी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली नवी नवी सारिया वीडियो सब तो पहला तुसी देख सको। हुण आपां स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। आज की वीडियो दे विच गल करन जा रहे हैं आप उन्हां लोकां बारे जिहड़े अपने लड़के जां लड़की दे विआह ते 20 लाख रुपया खर्च करन लई तैयार ने, तां अज दी वीडियो उन्हां वास्ते है। सब तो पहलां आपां गल करांगे इंडिया अते कैनेडा दी मैरिज सिस्टम दे विच की फर्क है उहदे बारे। इंडिया बारे तां ऑलरेडी सारे ही जानदे ने कि इंडिया दे विच विआह दा सिस्टम की है। आपां नूं गल करन दी लोड़ है कैनेडा बारे वी, कैनेडा दे विच मैरिज सिस्टम किस तरह दा। पहले आप कैनेडा बारे गल कर जा रहे हैं। हम तो पहले तुम दसना चाहनी हाँ कि कैनेडा के लड़का या लड़की के किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों बराबर मनिया जाता है। पर फिर भी जी कंट्री है ना कैनेडा, यह एक फीमेल डोमीनेटड कंट्री है, मतलब कि घर के लेडी की ज़्यादा चलती है, वो हिसाब के नाल ही घर के सारा कुछ काम वो होंगे जो लेडी चाहती है। तो उन्हें अपने विआह भी जो लड़की ने करवाना होंगे अपनी मर्जी ना करवाई है, अपनी मर्जी का वो लड़का चुनती है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली ही विआह होंगे। कैनेडा के मैरिज तो बिना भी लड़के के लड़की इकट्ठे रहने की परमिशन दी गई। कैनेडा के लड़की उस लड़के अपना पार्टनर चुन की कोशिश करती है जिहड़ा बराबर वो जिन्ना ही क्वालिफाइड होए, जिनी ही उत्थे कमाई करता हो। मीनस के वह अपने उस पार्टनर नू चूज़ करती है, अपना हसबैंड उस लड़के नू बनाउंदी है जिहड़ा उहदे बराबर कमाई करता होए अते उहदे बराबर दी ही लड़के दी क्वालिफिकेशन होवे। सो वह लड़के दे माँ बाप दी की प्रॉपर्टी है उहदे विच वह कोई भी इंट्रस्ट नहीं दिखाउंदी है, उहनू सिर्फ लड़के तक मतलब होंदा है कि लड़का किन्ना पढ़िया होया, उहदे बराबर दा पढ़िया होया हैगा जां नहीं, ते किन्नी उहदी क्वालिफिकेशन है, कि उहदी क्वालिफिकेशन नाल उहदी क्वालिफिकेशन मैच करदी है जां नहीं करदी। कैनेडा दे विच की है, अगर लड़के जां लड़की दी जे मैरिज नहीं हुई, मैरिज तो पहलां भी वह एक दूसरे दे कोल आ जा सकते ने, मिल सकते ने, पार्टी वगैरह कर सकते हैं, ईवन के एक दूसरे कोल रहना होए उन्होंने तो वह इकट्ठे रह भी सकते हैं। तो इहदे नाल की हुंदा है, वह एक दूसरे दीआं हॉबीज़ बारे जाण सकते ने, एक दूजे का की इंट्रस्ट है, किस चीज़ में ज़्यादा इंट्रस्ट है वो बारे जान लेंगे ने, एक दूजे बारे काफ़ी कुछ उन्होंने पता लग जाता है, लड़की लड़के बारे पता लग जाता है, लड़के लड़की बारे काफ़ी कुछ पता लग जाता है। मीनस कि वह कितनी कमाई करता है लड़का, जब लड़के को पता लगता भी लड़की कितनी कमाई करती है, की उसकी हॉबीज़ ने, कि वह नशा करता या नहीं करता, यह सारी जानकारी वह पहला ही ले लेंगे। इवन कि लड़की भी पता लग जाता है भी उसके जी लड़के को मैरिज कर जा रही है वह लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, कि सारी जानकारी उन्हें पहला ही मिल जाती है। ईवन के विआह तो बाद जेकर लड़के के माता पिता इंडिया तो बुलाना हो भी घरवाली की तो घरवाली के कोल ही पूरी पावर होंगी, घरवाली की परमिशन तो बिना लड़का अपने माँ बाप नहीं बुला सकता। इतने मोस्टली यह भी होंगे कि जी लड़की है विआह तो बाद अपने माँ बाप को तो कनेडा बुला लेंदी है, पर वो ये इंट्रस्ट नहीं दिखाती कि लड़के दे माँ बाप कनेडा पहुँचन। सो जिहड़े माँ बाप 20 लाख रुपया ला के अपने लड़के का विआह कनेडा कर रहे हैं उन्होंने सावधान होने की लोड़ है। तुसीं 20 लाख रुपया ला भी रहे हो तो कुछ गल्लां सोचण की जरूरत। कनेडा दे विच की है, हसबैंड ते वाइफ की जिहड़ी सैलरी है वह इक्को सांझे बैंक अकाउंट दे विच आउंदी है, इनकम टैक्स की रिटर्न है वह भी उन्होंने सांझी भरी जाती है, इकट्ठी भरी जाती है,
मकान अते कार दोनों दे नाम दे कट्ठे हुंदे ने। इस करके अगर तुसी चाहो भी लड़का चाह के भी अपने बैंक दे विचों पैसे कढ़वा के तुहानू नहीं भेज सकता। सो ये गल्लां दा मां बाप नू पता होना चाहिए। कनेडा दे विच की है, लड़कियां ज़्यादा इंटैलीजेंट ने, वह अपना बुरा भुला खुद समझदियां ने, अते वक्ख वक्ख देशां तों आए हुए स्टूडेंट उत्थे कट्ठे पढ़ते ने अते एक दूजे दे कल्चर नू समझदे ने। वो आपस दे विच कुछ ना तालमेल बना के रखते हैं। इहदे नाल की है, वह एक दूसरे कंट्री दे कल्चर नू समझण की कोशिश करते हैं। तो इहदे नाल की है, हर मतलब कि काफ़ी उनकी नॉलेज वध जाती है। हर एग्जाम दे विचों पासिंग मार्क्स जिहड़े हुंदे ने वह 70% हुंदे हुंदे ने। ते जिहड़ा होमवर्क है वह कंप्यूटर के सामने बैठ के इंटरनेट पर भेजा जाता। सो जिहड़े इंडिया तो कनेडा दे विच पढ़ने लई लड़कियां जांदियां ने उन्हां नूं पढ़न दा ज़्यादा शौक हुंदा है, वह इंटैलीजेंट हुंदियां ने ते नाल ही वह कंप्यूटर की नॉलेज भी रखदियां ने। जदों कि जिहड़े इंडिया तो लड़के जांदे ने उन्हां नूं इंग्लिश ते कंप्यूटर दे विच उहनां दा मोस्टली हत्थ तंग हुंदा, तां मोस्टली की हुंदा वह कनेडा जाके पढ़ाई दे विच मोस्टली फेल हो जांदे, मतलब उहनां दे वधिया नंबर नहीं आउंदे। तां वह की करदे ने कनेडा दे विच पक्के होण दे लई कनेडा रहि रहियां जिहड़ियां इंटैलीजेंट लड़कियां ने उहनां दा सहारा बणदे ने, मंगते हैं, मीनस के उन्होंने को अपना होमवर्क करवाते हैं, उन्होंने को ही इजली कि उन्होंने पेमेंट करते भी तुम सा होमवर्क कर दो असं तो पेमेंट कर पाए। ये की है, वह उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देंगे, घर के काम के भी हेल्प कर देंगे, हौली हौली उन्होंने फ्रेंड सर्कल बन जाता है, कट्ठे घूम जाते हैं। तो ये की है, उन्होंने आपस के ने वधिया रिलेशन बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल वधिया बन जाता है। ये की होंगे हौली हौली जोड़े वो लड़के ने वह कनेडा के रिश्तों के पक्के हो जाते हैं फ्रेंड सर्कल के, वो इंडिया के रिश्तों को भुल जाते। सो असी अपने जे अपने इंडिया के वासी ने असं उन्होंने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जेकर तुसी अपने लड़के या लड़की नू कनेडा भेजना है तो उन्होंने कनेडा पहुँचन तो बाद ही विआह करो। कनेडा के ही अगर विआह करोगे तो फायदे होंगे। वो की फायदे होंगे तो भी मैं दस देनी हाँ। कनेडा में की है, एक तो सिंपल विआह की रसम बिल्कुल सिंपल होंगी है। मैरिज मैरिज वास्ते लड़के ते लड़की दे माँ बाप का जो वीज़ा है वह बहुत ही आसानी नाल लग जाता है। जेकर वह विआहे नहीं जाणगे उन्हां नूं पक्के होने वास्ते अलग अलग अपनी फाइलां लगाउणियां पैणगियां जिहदे नाल उन्हां दा खर्चा डबल होएगा। ये नाल जिहड़ा थोड़ा खर्चा डबल होना है, अलग अलग फाइल लगाओगे जिहड़ा खर्चा डबल आ हुण डबल होना है तो वक्खरा है। खर्चे के नाल नाल की है तुहाडे सी एस स्कोर जिहड़े ने वह भी घट जाएंगे। अगर तुसीं विआह तो बाद वह करते हो तो तुहाडे सी एस स्कोर जिहड़े ने वह वध हो जाएंगे। सो इन्हां निक्की निक्कियां गल्लां दा ध्यान रखने की लोड़ है। इस विषय के रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल दे विच अगर तुसीं जानकारी लेना चाहते हो तो तुसीं साडे कनेडा ऑफिस के नंबर पर या फिर इंडिया ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कनेडा ऑफिस का नंबर तुसी अगर नोट करना है नोट कर सकते हो 1604-765-5008। अगर इंडिया के नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो इंडिया का नंबर तो साढ़े पटियाला ऑफिस का नंबर नोट कर सकते हो 9882-9500। सो वर्किंग टाइम के फोन करके किसी भी वीजे रिगार्डिंग किसी भी विषय के रिगार्डिंग गलबात कर सकते हो, तुहानू फ्री दे विच सारी जानकारी दिती जाएगी। क्योंकि असीं चाहते हाँ कि किसी नाल कोई धोखाधड़ी ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, बच्चे सही रस्ता अपना के कनेडा जाके सैटल हो सकन। होर ज़्यादा अपडेशन लैन के लिए चैनल में सबसक्राइब करो और वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करो। थैंक यू।